हरे कृष्णा, इस्कॉन चौपाटी की पोएंजे कॉन्ग्रीगेशन की यात्रा आई है। We have been traveling and we are here in Tirupati right now. So we boarded the North traveling bus, the Saptagiri Express from the Renigunta station, and that took us to Tirumala. And right now we are here. All of our group is also here. हरे कृष्णा, अभी हम लोग यहाँ पे टीटीडी का अन्न क्षेत्र में आए हैं, जहाँ पे हम लोग प्रसाद लेने वाले हैं। इसको कहते हैं ताराकोंडा वेंगम मांबा अन्न क्षेत्र कृष्ण प्रसाद। हरि बोल। Thank you.
यहाँ पे कपिल मुनि के लिए महादेव स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने दूध से अभिषेक किया हुआ था, और इसी जगह पे श्रीनिवास, भगवान श्रीनिवास और माता पद्मावती अपने विवाह के बाद यहाँ पे आए और उसके बाद में यहाँ पे काफी टाइम तक रहे। बकुला देवी मंदिर है जहां हम आए हैं, एकदम सीनिक प्लेस है, और यहां पे यशोदा माई का अवतार है बकुला देवी, एंड बीइंग इन यशोदा माईज प्लेस शी डिड नॉट गेट टू विटनेस श्री कृष्णस मैरिज, तो यहां पे बकुला देवी का वो डिजायर था, तो शी वाज इंस्ट्रूमेंटेड इन मैरिंग पद्मावती टू श्रीनिवास। तो श्रीनिवास कल्याणम एकदम स्पेशल कल्याणम है जिसमें बहुत लोग इंस्ट्रूमेंटल हुए, मतलब आप बोलेंगे पद्मावती जी के फादर आकाश राज और उनके पहले कुशध्वज और फिर यहाँ पे बकुला देवी और फिर इतने सारे डिवोटीज, मतलब श्रीनिवासम कल्याणम में आप इतने सारे पर्सनैलिटीज देखते हैं, उसमें शिव कुमार नारद मुनि है, उसमें अगस्त्य मुनि है और उसमें कपिल देव, सारे के सारे डिवोटीज सब लोग यहाँ पे आके सेलिब्रेट करते हैं श्रीनिवास कल्याणम, इट्स सो स्पेशल एंड पूरा फैमिली प्रोग्राम है। पीछे है वेंकटाद्री, शेषाद्री, गरुड़ाद्री, नीलाद्री, नारायणाद्री और ऐसे सप्तगिरी है, और ये उनको कहते हैं तिरुमला हिल्स, एंड हर एक हिल के ऊपर एक फास्ट टाइम है अंजनाद्री, जहाँ से हम लोग आए थे, उसके पहले ब्रह्मा जी ने नाम दिया था वेंकटाद्री जिसको इज ऑन द सिक्स, और उसके बाद में शेषाद्री बिकॉज एक अनंत देव का एक्सपेंशन है, भगवान के हर पैर पे ट्रेन लिया, हर जो चीज है वो अनंत देव है शेषनाग। हरे कृष्णा, आज हम एक्सटेंडेड टूर पे हैं जहाँ पे हम लोग तिरुपति के अराउंड प्लेसेस जो है ना, स्पेशल प्लेसेस वो हम लोग कवर करें जो कि श्रीनिवास कल्याणम के अराउंड फेमस है। तो ये पर्टिकुलर जगह पे आए हैं हम, इसे कहते हैं करवेती नगरम, और यहाँ पे रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और श्री कृष्ण इनका एक ही इस फॉर्म में विग्रह है, स्पेशल प्लेस है और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो यहाँ से हम लोग कुछ दिखा सकते हैं। कृष्णा, ये करिय माणिक्य नगरी है जो कि फेमस है
गजेंद्र मोक्ष पास टाइम के लिए। यहाँ पे भगवान स्वयं दौड़ दौड़ कर आए थे गजेंद्र जी को उद्धार करने के लिए, क्योंकि उनका पैर जो है ग्राह एक क्रोकोडाइल ने पकड़ रखा था। तो भगवान दौड़ते दौड़ते अपनी धोती संभालते संभालते यहाँ पे आते, और यहाँ का जो दर्शन है वो जैसे हम लॉर्ड वेंकटेश्वर का दर्शन लेते हैं वैसे श्रीनिवास वो सेम फॉर्मेट में है। मतलब यहाँ पे तिलक होगा, उसके अंदर रेड डॉट होगा और साथ में शंख चक्र और एक बड़े बड़े डिटीज है। तो ब्यूटीफुल टू सी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजिट दीज प्लेसेस, क्योंकि हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, थोड़ा दूर है, लेकिन कृपया पिलग्रिम से भी अनुरोध है कि आप लोग जाए, नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत सारा कुछ समझ रहे हैं ना, बहुत सारा चीज होता रहता है और हमारे धार्मिक प्लेसेस फिर लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे काम नहीं करते, वहाँ पे पुजारी वाला सेवा नहीं देंगे, क्योंकि कोई जाएगा नहीं, कोई डोनेशन नहीं देगा, वो जगह कैसे बना रहेगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे जगह जहाँ पे हमारे भगवान के लीला स्थली है वो सब जगह पे जाए डिवोटी। सनातन धर्मियों के लिए अनुरोध। हरे कृष्णा। अभी हम लोग है अन्नपूर्णेश्वरी काशी विश्वनाथ मंदिर में, ये भी तिरुपति के आउटसाइड आउटस्कर्ट्स में बिलोंग करता है। और स्पेशली ये जगह का हिस्ट्री ऐसा है कि गौतम महर्षि इन्होंने शिव जी को, काल भैरव जी को यहाँ पे आमंत्रित किया था, तो यहाँ पे शिवलिंग है और उनका नाम है काशी विश्वेश्वर, और उनके साथ पार्वती जी विराजमान है अन्नपूर्णेश्वरी देवी के। अभी हम बहुत ही बढ़िया स्पेशल दर्शन लिए हैं। ये शिवजी का क्षेत्र है और इसका नाम है पल्ली कोंडेश्वर महादेव टेम्पल। तो यहाँ पे शिवजी लेटे हुए हैं, कि स्टोरी ऐसा चलता है जब समुद्र मंथन के लिए शिवजी को बुलाया गया और वहाँ से क्योंकि विष निकला था तो शिवजी ने उस विष को ग्रहण किया, और ग्रहण करते करते वो जा रहे थे कैलाश की ओर, तब ही फेल्ट लिटिल अनइजी, तो पार्वती जी ने साथ में उनको यहाँ इस स्टॉप पे तो वो रुके और पार्वती जी के गोद पे शिव जी लेटे हैं। तो दर्शन भी ऐसा है जहाँ पे विग्रह है, जैसे श्री रंगनाथ मंदिर में कैसे बड़ा सा विग्रह है भगवान विष्णु लेटे हैं, वैसे यहाँ पे शंकर भगवान लेटे हैं, तो वो लिंग रूप में नहीं है, वो भगवान लेटे हैं और पार्वती माता के गोद में ना? और साथ में भूतगण उनके जो पार्षद है सब लोग हैं। कृष्णा हम आए हैं अभी, ये वेद नारायण टेम्पल है, बहुत बड़ा कैंपस है और थोड़ा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लोग रेनोवेट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे मत्स्य अवतार का दर्शन है, यानी भगवान स्वयंभू है और उनका जो अपर बॉडी में फोर हैंड्स हैं और नीचे जो है वो फिश का शेप है, फिश का फिन्स दिखाई देता है, टेल्स दिखाई देता है। ये रूट बहुत ही सीनिक है और यहाँ पे भर भर के खेती दिखाई देती है, इतना खेती हमको मुंबई में कभी नहीं दिखा।
हरे कृष्णा, अभी जस्ट दर्शन करके आ रहे हैं नारायणपुर, ये जगह का नाम है नारायणपुर और यहाँ पे ये मंदिर का नाम है कल्याणा वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। और यहाँ पे स्पेशल दर्शन ऐसा है कि भगवान की शादी पद्मावती से, उनका जो विवाह है वो यहाँ पे हुआ और यहाँ पे उनके दर्शन में उनके पास एक तलवार है। और श्रीनिवास, जब हम कहते हैं भगवान का नाम श्रीनिवास है, मतलब लक्ष्मी जी उनके चेस्ट पे वास करती, उनके वक्षस्थल पे वास करती, वो दर्शन भी यहाँ पे वेरी स्पेशल इंडीड और बहुत क्लोज से दर्शन मिलता है। तो आप लोग जरूर विजिट कीजिए प्लेस। दर्शन के साथ एक और स्पेशलिटी है, यहाँ पे पद्मावती जी के विवाह के लिए जो आटा चक्की यूज हुआ था, जिसमें अग्निदेव, वरुण देव इत्यादि जो देवता हैं, वो सब लोग सम्मिलित थे। वो लोग सब लोग बेसिकली बारात का सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे थे, तो वो बड़ा सा जायंट आटा चक्की भी यहाँ पे है। ये कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हमने पहले विजिट किया, उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। और यहाँ पे स्पेशल दर्शन भगवान का ऐसा है, सब जगह के पे भगवान का हाथ ऐसे नीचे की तरफ होता है, उसको कहते हैं वरद मुद्रा। और यहाँ पे भगवान का हाथ ऐसा है अभय मुद्रा में। हरे कृष्णा, आज हमारा तिरुपति यात्रा का लास्ट दिन है और हम सब अभी जा रहे थे कैलाश धाम की जय। श्री कालाहस्तीश्वर में जो शिवलिंग है उसे वायु लिंगम कहते हैं, क्योंकि वायुदेव जब यहाँ पे शिव जी की आराधना करते थे तो शिव जी ने उनके लिए वायु लिंगम रूप में प्रकट हुए थे। हरे कृष्णा, ये धाम का नाम श्री कालाहस्ती धाम है, क्योंकि इसमें श्री मतलब स्पाइडर, एक मकड़ी जो कि जाल बुनकर अपना डिवोशन एक्सप्रेस करती थी, और उसके बाद में काल यानी सर्प, जो कि अपने नाग लोक से अलग अलग मणि लाकर शिव जी के सामने प्रस्तुत करते थे, और उसके बाद में आता है हाथी, हस्ती, श्री कालाहस्ती। तो हस्ती जो है वो नीचे से, क्योंकि आप देखोगे नीचे यानी बहुत नीचे है ये, और वहाँ से जंगल से वो पेड़ पौधे ऐसा स्पेशल घास वगैरह लेके आके शिव जी को अर्पण करती थी। तो फिर इसलिए ये तीनों को मोक्ष मिलता है ये जगह पे, और इसलिए इनका नाम पड़ता है श्री कालाहस्ती ईश्वर। गोविंदा, वैकुंठवासा गोविंदा।
हरे कृष्णा, ये है श्री कालाहस्ती धाम और शिव क्षेत्र है। और फिलहाल आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो दर्शन है वो दर्शन है, यहाँ पे एक डिवोटी फेमस है जिनका नाम है कन्नप्पा। तो कहते हैं कि जब यहाँ पे भगवान शिव शिव जी का शिवलिंग था उसका वर्शिप वो करते थे, लेकिन वो अपने तरीके से करते थे क्योंकि वो हंटर थे और इसकी वजह से जो वो शिकार करके लेके आते थे वो सब कुछ ऑफर करते थे। कहते कि नीचे एकदम नीचे ना नदी का पानी है, तो वो पानी भी अपने मुंह पे लेके आते थे और बाद में यहाँ से ऑफर करते थे। तो भगवान, बहुत लोगों ने विरोध किया कि ये कैसा डिवोशन है भाई। डिवोशन, भगवान को अगर कुछ चढ़ाना है तो उसका एक प्रक्रिया है, उसका एक रीति रिवाज है। पर यहाँ पे ये जो डिवोटी है कन्नप्पा, क्योंकि इसका पहला नाम धीरा था, हंटर धीरा, शिकारी, तो शिवजी को दिखाना था कि देखो हमारे भक्त अलग अलग रूप में भी आते हैं। तो फिर यहाँ पे शिवजी ने क्या किया, एक परीक्षा रखा इस कन्नप्पा के भक्ति को उजागर करने के लिए, क्योंकि सब लोगों को डाउट आ रहा था कि ये कैसा भक्ति है, ये सही नहीं है, ये प्रक्रिया के टोटल विरुद्ध है। इसलिए शिवजी ने उस समय पे वहाँ पे भूकंप जैसी स्थिति निर्माण की और सब कुछ गिरने लग गया, पत्थर वत्थर सब कुछ, जो रूफ वगैरह सब गिरने लग गया। तो फिर वहाँ से बाकी सारे पुजारी तो भाग गए, लेकिन कन्नप्पा रुका रहा भगवान को, शिवलिंग को बचाने के लिए। तो उस समय ऐसा हो गया कि उस कन्नप्पा ने देखा कि शिवलिंग में जो आँख है, एक आँख से खून बह रहा है। तो उनको लगा कि अरे भगवान को चोट पहुंची है, तो उन्होंने चाकू से अपना आँख निकाल कर उस आँख पे लगा दिया। बाद में देखते हैं कि दूसरा आँख जो शिवलिंग पे है उससे भी खून निकल रहा है। तो उन्होंने सोचा मैंने दूसरा आँख भी अभी ऑफर करना है, तो फिर उसके लिए अभी पॉइंट मार्क होना चाहिए क्योंकि एक आँख तो चला गया है। तो इसके लिए अपने राइट लेग से, अपने पैर से वो मार्क करते, मतलब भगवान शिवलिंग के ऊपर वो मार्क करते, यानी अपना पैर देते हैं। हाँ, और उसके बाद में इमीजिएटली वो दूसरा आँख निकालने जा ही रहे थे, तो फिर भगवान स्वयं आ जाते हैं वहाँ पे, प्रकट हो जाते हैं और उसके बाद में उनको कहते हैं कि मोक्ष मिल गया। श्री कालाहस्ती में ये रेयर ब्रह्मा जी का मंदिर है, चतुर्मुखेश्वर ब्रह्मा जी टेम्पल। हरे कृष्णा, हरे